स्टूडेंट माय नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड टुडे वी विल स्टार्ट मैथमेटिकल रीजनिंग दिस इज माय सिक्स्थ लेक्चर सो फिफ्थ लेक्चर में बेटा आपने किया था कंडीशनल इंप्लीकेशंस जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की थी तो मैं उसका थोड़ा सा दोबारा से ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ बेटा आपके पास ये कोई स्टेटमेंट पी ये क्यू इफ पी देन क्यू पी इम्प्लाइज क्यू ठीक है मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट है पी और क्यू तो दो दो रिजल्ट बने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और इसके लिए ट्रू फॉल्स और पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है बेटा आपने पहले किया पिछले लेक्चर में इफ पी देन क्यू ये ट्रू है इफ पी देन क्यू ये फॉल्स इफ पी देन क्यू ये भी आपका कैसा है ट्रू और इफ पी देन क्यू दोनों के दोनों फॉल्स होते तो आपका रिजल्ट क्या बन जाता है ट्रू बन जाता है ये तो गया आपका पी इम्प्लाइज क्यू या इफ पी देन क्यू अच्छा उसके बाद आपने किसके लिए किया था बेटा पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इसके लिए बनाया था ना तो इसके लिए मैंने क्या किया था क्या बोला था आपको कि पी इम्प्लाइज क्यू फिर की क्यू इम्प्लाइज पी अब इफ क्यू देन पी इफ क्यू देन पी तो आपका ये ट्रू बना ये भी आपका क्या बना ट्रू बना ये आपका क्या बन जाएगा फॉल्स बन जाएगा दोनों के दोनों आपके क्या हैं फॉल्स हैं तो रिजल्ट फिर भी अच्छा अब आप इस किस को निकाल सकते हो P if and only if Q अच्छा इसका मतलब P if and only if का दो मतलब बताए थे मैंने P implies Q and Q implies P इसका मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर रखता है बेटा and तो and का मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या होनी चाहिए ट्रू होनी चाहिए तो ये आपका रिजल्ट ट्रू यहाँ पे एक फॉल्स एक ट्रू रिजल्ट विल बी फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स रिजल्ट विल बी फॉल्स एक ट्रू दोनों के दोनों रिजल्ट ट्रू बन जाते हैं तो आपके पास एक इंप्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू का ट्रुथ टेबल बनता है ये और पी इफ एंड ओनली इफ का ट्रुथ टेबल बना आपका बेटा ये ठीक है चलिए क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन था बेटा आपका जो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ पी देन क्यू मतलब इफ देन से स्टार्ट होगा आपने करना ये जो जितनी भी नीचे स्टेटमेंट रखी है उसको आपने इफ फिर उसका पी स्टेटमेंट फिर देन फिर क्यू स्टेटमेंट की टाइप में लिखना पहला क्वेश्चन था आपका यू गेट जॉब इम्प्लाइज दैट योर क्रेडेंशियल्स आर गुड और दूसरा क्वेश्चन आपका दी बनाना ट्रीज विल ब्लूम इफ इट स्टे बार फॉर अ मंथ तो चलिए सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपने करना इफ पी देन क्यू इट मीन पी इम्प्लाइज क्यू ठीक है तो सबसे पहले बेटा आपके पास पी स्टेटमेंट क्या बन जाती है योर या यू गेट जॉब इम्प्लाइज या आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कि P implies Q is logically equivalent to किसके P implies Q है ना P implies Q किसके बराबर किसके उसके पांच वे बताए थे आपको है ना P implies Q it mean it can be written as P implies Q अब आपकी स्टेटमेंट इस टाइप की ये दे रखी है P implies Q you get a job इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट एक ही है इम्प्लाइज के बाद अगली स्टेटमेंट आपकी कौन सी है ये तो इसका मतलब आपकी ये इफ अगर मैं इसी स्टेटमेंट को पी इम्प्लाइज क्यू को कैसे लिखना बेटा बैक करके लिखना है मैंने है ना पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब इफ पी देन आपका क्या बन जाएगा क्यू तो अब बोलिए क्या बन जाएगा ये आपके पास आया इफ पी स्टेटमेंट बेटा इम्प्लाइज से पहले तो इसका मतलब इफ यू Get job, ठीक है बेटा ये तो आ गई आपकी P statement. अब उसके बाद आएगा then, हाँ जी अब आएगी Q statement. हाँ जी Q statement क्या बोलोगे आप Your credentials are then. Your credentials are good. तो ये बनी आपकी कौन सी statement? जो P implies Q थी आपने उसी को किसमें लिखा इफ P then Q में तो P स्टेटमेंट आपकी implies से पहले और implies के बाद आपकी कौन सी स्टेटमेंट जब बन जाएगी बेटा ये Q स्टेटमेंट तो अब इसी स्टेटमेंट कैसे लिखा इफ दिस स्टेटमेंट देन दिस स्टेटमेंट तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपने P बोला इफ P then Q तो क्या बना टोटल रिजल्ट आपके पास इफ यू गेट जॉब देन योर credentials आर गुड तो बेटा ये था आपका फर्स्ट पार्ट अब आ जाइए आप सेकेंड पार्ट पे क्या बोल रहा है दी ब्राना ट्रीज विल ब्लूम है ना इफ इट स्टे वार्म फॉर अ मंथ अब आपने इसको कहां से स्टार्ट करना है
किससे बोला, इफ पहले लिखना फिर देन लिखना। तो इसमें क्या दे रखा पहले आपको, क्या बन जाएगा इफ, ये आपको दे रखा है इट स्टे, इफ इट स्टे वार्म बार्म फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ देन, अब उसके बाद ये आ जाएगी आपकी, देन दी बनाना ट्रीज विल ब्लूम, विल ब्लूम। तो ये आपकी सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। आपने क्या करना था, स्टेटमेंट को सिर्फ आपने इफ से स्टार्ट करना था और आगे बीच में पी स्टेटमेंट आनी थी, उसके बाद देन फिर क्यू स्टेटमेंट। तो ये था आपका किसका केस, इंप्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट, पी इंप्लाइज क्यू, इफ पी देन क्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डेफिनेशन हमने पहले पिछले लेक्चर में कर रखी है, ठीक है। राइट कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहली स्टेटमेंट आपको दे रखी है बेटा, इफ एक्स इज प्राइम नंबर देन, इफ एक्स इज प्राइम नंबर देन, देन एक्स इज ऑड। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी, समथिंग इज कोल्ड, समथिंग इज कोल्ड implies that it has, implies that it has low temperature, low temperature, ठीक है बेटा। दो स्टेटमेंट इधर रखी है, आपको क्या बोला, क्या निकालना है आपने इनका कंट्रा पॉजिटिव। अच्छा पहले बात आती है कि कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, आपने पिछले लेक्चर में कर रखा था, तब भी मैं पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कंट्रा पॉजिटिव कर लेते हैं बेटा। अच्छा किसी भी स्टेटमेंट का, किसका, इफ पी देन क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का कंट्रा पॉजिटिव आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट, पी इंप्लाइज क्यू किस बराबर होता है बेटा, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, ये है किसका कंट्रा, किसका कंट्रा पॉजिटिव, पी इंप्लाइज क्यू का। अब पी इंप्लाइज क्यू का मतलब इफ पी देन क्यू, अब यहां से फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं बेटा, अब यहां पे इफ पी, पी स्टेटमेंट कहां तक बनी बेटा आपकी, ये है, और देन के बाद आपकी कौन सी स्टेटमेंट बनी, क्यू, ये आ गई पी और ये स्टेटमेंट आपकी क्यू। अब देयरफॉर आपका ये कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इंप्लाइज क्यू का, हाँ जी बेटा किस बराबर बन जाएगा, देखिए अब क्या करना, आपने यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, ये है निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, तो निगेशन पी इंप्लाइज का मतलब आपने इफ, अब करिए आप निगेशन क्यू, निगेशन क्यू का मतलब क्या हुआ, एक्स इज नॉट ऑड, इफ एक्स इज नॉट ऑड, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, एक्स इज अगर ऑड नहीं तो बेटा कैसा नंबर है, ये इवन है, एक्स इज इवन, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, देन अब क्या करना, पी का निगेशन, एक्स इज क्या था प्राइम नंबर, बट इट्स निगेशन इज एक्स इज नॉट प्राइम नंबर, तो ये आ गया बेटा आपका क्या कंट्रा पॉजिटिव, किसका, इस स्टेटमेंट का, जो अगर स्टेटमेंट किससे स्टार्ट हो, इफ और देन से, ठीक है, इफ पी देन क्यू, ये पी स्टेटमेंट और ये क्यू स्टेटमेंट, और कंट्रा पॉजिटिव का क्या होता है, पी इंप्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। पहले क्या करिए बेटा, निगेशन पी निकालिए, निगेशन क्यू निकालो, निगेशन क्यू इज क्या था, एक्स इज ऑड, अगर ऑड है तो उसका निगेशन क्या बन जाएगा, x is not odd या x is even, तो करिए start इसको क्योंकि implies है, implication है, तो आपको बोलूँगी if x is not odd then x is not prime number, तो ये हो गया आपका first part। अब आते हैं बेटा second पे, दोबारा वही इसी formula पे उत्तर करना है। अब देखिए क्या statement थी, ये
समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज, अभी पीछे आपने क्वेश्चन किया इंप्लाइज से पहले एक स्टेटमेंट और इंप्लाइज के बाद दूसरी स्टेटमेंट, तो आपके पास होता है पी इंप्लाइज क्यू, इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट बनी कौन सी इंप्लीकेशन। अब आपने इसको कैसे लिखना, इफ पी देन आपने क्यू में, बट यहां पे कंट्रा पॉजिटिव है, इसका मतलब निगेशन ऑफ आपका वो लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर स्टेटमेंट का क्या कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू इक्वल टू, हां जी अब बोलिए कितना बने होता, ये स्टेटमेंट आपकी पी इंप्लाइज क्यू, मतलब ये स्टेटमेंट आपकी बनी पी और ये स्टेटमेंट बनी आपकी क्यू, क्या था समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज दैट इट हैज लो टेम्परेचर, इसका मतलब इसका निगेशन करना, अब यहां पे बेटा इट हैज लो टेम्परेचर नहीं, क्या करना है क्योंकि आपकी सेंस से वो कहां से स्टार्ट हुई थी समथिंग, तो क्या बोलोगे आप समथिंग हैज निगेशन ऑफ क्यू, इफ समथिंग हैज समथिंग सॉरी डज नॉट हैव कौन सा लो टेम्परेचर देन, अब करना आपने किसका पी का, तो इसका मतलब अब क्या कर सकते हो आप देन इट इज नॉट कोल्ड, देन इट इज नॉट कोल्ड, ठीक है बेटा। कई बार आपने क्या करता होता है सेंस भी आपकी जरूरी होती है, सेंस भी देखनी है कि यदि आपने यहां से ये पी है और ये क्यू, तो यही से स्टार्ट कर दी इट हैज लो या लो टेम्परेचर, तो सेंस नहीं बनेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि आपका सेंटेंस जो कहां से स्टार्ट हुआ, स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट हुई थी समथिंग से, तो इसका मतलब समथिंग डज नॉट हैव लो टेम्परेचर, ये हो गया इसका निगेशन, देन अब समथिंग बार बार यूज नहीं करोगे तो आप इट हैज नॉट या इट इज नॉट कोल्ड, ठीक है बेटा, ये था आपका कंट्रा पॉजिटिव। तो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने उस टाइम पिछले लेक्चर में की थी कंट्रा पॉजिटिव कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट और इनवर्स, तो कंट्रा पॉजिटिव का एग्जांपल ले लिया, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं इनवर्स का, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द कन्वर्स, अब मैंने कन्वर्स लिखना है, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। अब इसके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि आपने लेक्चर 5 में कर रखा है, तो पहली स्टेटमेंट है आपकी इफ अ नंबर इज, पहली इफ अ नंबर n इज इवन then n square is even, then n square is even, ये तो होगी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब आपकी बेटा आपकी सेकेंड में आपको दे रखा है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल then they do not intersect, then they do not intersect in the same plane, तो ये दो एग्जाम्पल इन्होंने करना है, तो सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। चलिए थोड़ा सा कन्वर्स के बारे में क्या बताया था आपको पिछले लेक्चर में किया हुआ आपने, पी इंप्लाइज क्यू, इसका कन्वर्स बेटा कैसे बताया था आपको, क्यू इंप्लाइज पी, ये आपका आ गया कन्वर्स, इसका पी इंप्लाइज क्यू का कन्वर्स कौन सा आया, क्यू इंप्लाइज पी, ठीक है। चलिए अब ये स्टेटमेंट आपको इफ पी देन क्यू दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं स्टार्ट, इफ के आगे पता है आपको पी स्टेटमेंट, देन के आगे आपकी कौन सी स्टेटमेंट आई आपकी, ये क्यू स्टेटमेंट। अब इसका रूल क्या बोलता है कि आप क्या करिए इसको इंटरचेंज कर दो, P इंप्लाइज Q का मतलब Q इंप्लाइज P, तो वैल्यू डाली तो इसका कन्वर्स कैसे बन जाएगा, कन्वर्स ऑफ
गिवन स्टेटमेंट इज, हाँ जी कितना बनेगा क्यू इंप्राइज पी। अब क्या बोलोगे इफ, अब किसकी वैल्यू लिखनी बेटा आपने क्यू की, क्यू कितना था इफ एन स्क्वायर इज इवन, अब देन, अब किसको लिखना बेटा आपने पी स्टेटमेंट, पी कौन थी देन, अ नंबर एन इज इवन, देन एन इज इवन, तो ये आपका क्या बन गया कन्वर्स ऑफ किसका, इस गिवन स्टेटमेंट का। चलिए सेकेंड कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, हाँ जी बेटा चलिए इसको करते हैं, इफ इससे स्टार्ट है ये एक स्टेटमेंट बन गई और देन के बाद आपकी दूसरी स्टेटमेंट बन गई। अब ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे मीन टू लाइंस के बारे में बात कर रही है ना। तो जब भी आप कन्वर्स या कुछ और भी मतलब सेंस के हिसाब से भी लिखना है, आपके पास इसका कन्वर्स क्या बन जाएगा बेटा, क्योंकि मुझे पहले क्यू लिखना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा आपको पी। अच्छा आपके पास आया इफ, क्यू लिखना पहले, अब दे से नहीं स्टार्ट करना, दे का मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, इसकी टू लाइन, तो क्या लिखोगे इफ टू लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट इन दी सेम प्लेन, इन दी सेम प्लेन, आगे क्या आएगा बेटा देन, अब डालो पी की वैल्यू, देन टू लाइन, टू लाइन के बारे में क्या यूज किया था इसने, दे, देन दे आर पैरेलल, देन दे आर पैरेलल, ठीक है बेटा। तो ये स्टेटमेंट बन गई आपकी कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। कन्वर्स में करना क्या होता है, आपने पी इंप्लाइज क्यू का मतलब आपने उल्टा करना है क्यू इंप्लाइज पी, ठीक है, पहले क्यू की वैल्यू डाल दो, इंप्लाइज है तो इफ क्यू देन पी, इसका मतलब ही हो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अब इनवर्स का है। अच्छा इनवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसका, गिवन बिलो आर टू पेयर्स, गिवन बिलो आर टू पेयर्स ऑफ, आर टू पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स कंबाइन दीज टू, combine these two statements using statement using if and only if, if and only if से आपने combine करना, double implication बेटा ये by conditional statement, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट थी इसकी, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं इसका मैं, इफ पी स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट इफ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, इफ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर देन ऑल इट्स, देन ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। और क्यू स्टेटमेंट बेटा आपको दे रखी है, इफ ऑल द फोर साइड, ऑल द फोर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, आर equal, then the rectangle is, then the rectangle is a square, ठीक है बेटा। आपको क्या बोल रखा है कि आप इन दो given statement को combine करो,
क्या यूज करना आपने, इफ एंड ओनली इफ। अच्छा इफ एंड ओनली इफ का बेटा क्या मतलब होता है, डबल इंप्लीकेशन, या इसको पी इफ एंड ओनली इफ क्यू बोल दीजिए। ठीक है, ये तो आपको तीन चार तरीके बताए थे आपको इसको डिनोट करने के। अब पी इंप्ला डबल इंप्लीकेशन क्यू, इसका मतलब क्या होता है बेटा, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी। अब थोड़ा सा इन स्टेटमेंट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, आप तो क्या बोल रहा है इफ, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, इसका मतलब एक आपके पास स्टेटमेंट ही बन रही है, और देन के बाद अगली स्टेटमेंट आपकी ये बन रही है कौन सी, ऑल इट्स फोर साइड आर इक्वल। अब यहां पे ऑल इट्स का मतलब ये क्या यूज कर रहा है, रेक्टेंगल को की बात कर रही है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको पी स्टेटमेंट है क्यू है तो उसको पी वन ले लेता हूं, इसको छोटे इसको, ये P1 और दूसरा क्या आ रहा है आपका P1 implies Q1, इसको मैं P1 बोल दी बेटा और इसको Q1 statement बोल दी। अब क्या हो रहा है, if P then Q1, if P1 then Q1, ठीक है, ये बनी P statement, आपने करना P और Q को combine करना, तो P statement क्या बोल रही है, P1 implies Q1, ठीक है, और ये था आपका P का result। अब Q का result क्या बोल रहा है बेटा आपका, ये If all four sides of a rectangle, अब किसकी बात कर रही है ये, इसको किसका बोला था, all four sides are equal, इसको आपने बेटा क्या बोला था, रेक्टेंगल की सारी साइडें बराबर हैं, कहां तक आर इक्वल, इसको बोला था आपने क्यू वन, और द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, इसको क्या बोला था आपने पी वन, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, क्यू वन इंप्लाइज पी वन। पी स्टेटमेंट क्या बता रही है आपको, पी वन इंप्लाइज क्यू वन, और क्यू स्टेटमेंट क्या बता रही है आपको, क्यू वन इंप्लाइज पी वन, तो आपका रिजल्ट बन रहा है बेटा ये। ठीक है, पी वन पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी को कैसे लिख सकते हो बेटा आप, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, आप इसका क्या करिए ब्रैक में इसको लगा दीजिए, है ना, तो दोनों रिजल्ट आपके पी वन इंप्लाइज क्यू वन और क्यू वन इंप्लाइज पी वन बन रहा है, तो इसका मतलब आपके पास यही स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, P if and only if Q बन जाएगी। हाँ जी, अब चलिए इसको बस लिख रहा हूं, इसको किसके बारे में बोला था, P स्टेटमेंट बेटा किसको बोला था, P1 स्टेटमेंट, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स फोर साइड आर इक्वल। ठीक है बेटा, ये बन गई इसकी कॉन्सेप्ट बना, इफ एंड ओनली इफ लगा के आपकी स्टेटमेंट ये। ठीक है, क्योंकि आपका यहां पे पहली स्टेटमेंट देखा था इफ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो किस टाइप की बन रही है, पी इंप्लाइज क्यू, और दूसरे केस में क्या बन रहा है, क्यू इंप्लाइज पी, इन दोनों को कंबाइन करिए आपके पास पी डबल इंप्लीकेशन क्यू या पी इफ एंड ओनली इफ क्यू बन रहा है। तो यहां पे पी वन आपकी स्टेटमेंट ये थी, क्यू बनी है और Q बनिए P बनिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, P1 implies Q1, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये P1 की स्टेटमेंट, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स फोर साइड आर इक्वल। तो ये तो आपका क्वेश्चन। चलिए बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये 2009 में आया हुआ, तो क्वेश्चन था बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी, इन वैसे आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी टॉटोलॉजी होती है। टोटोलॉजी का पता है आपको कि इसकी ट्रुथ वैल्यू जो कैसी होती है बेटा, ट्रू, अगर ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है तो वो कंट्राडिक्शन हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसको क्वेश्चन को, तो दो स्टेटमेंट है बेटा, तो प्रेफर करिए आप टेबल बना लीजिएगा इसके लिए। तो आपके पास है एक पी स्टेटमेंट और एक क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये बन जाएगा ना दो का पॉसिबिलिटी। अच्छा अब मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो नेगेशन क्यू चाहिए, एक नेगेशन पी भी चाहिए, तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू मैं निकाल रहा हूं, पहले ही निकाल लिया है, तो इसका नेगेशन पी क्या बन जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये क्या बन जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू बन जाएगा, है ना, डिनाई कर देता ना, ये ट्रू का फॉल्स बना देता है और फॉल्स का ट्रू बना देता है। चलिए नेक्स्ट आपने क्या करना बेटा, क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो P एंड Q भी चाहिए बेटा, P एंड Q, हाँ जी P एंड Q कितना है बेटा, एंड प्रोडक्टिव है तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, ये ट्रू ट्रू, एक भी फॉल्स आया फॉल्स, एक भी फॉल्स आया फॉल्स, ये दोनों फॉल्स हैं, रिजल्ट विल बी फॉल्स।
अच्छा मैं फोर्थ को निकाल रहा हूं पहले ना, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। नेगेशन का मतलब इसका उल्टा कर दो, ये फॉल्स बन जाएगा, ये ट्रू और ये ट्रू। अब उसके बाद क्योंकि फोर्थ के लिए मुझे चाहिए क्या, पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ किसका, पी एंड क्यू मतलब ये इन दोनों में एक भी ट्रू हुई तो फॉल्स भी तो रिजल्ट विल बी फॉल्स, क्योंकि आपका कनेक्टिव एंड है। ये फॉल्स बन जाएगा, ये भी फॉल्स बन जाएगा, ये भी फॉल्स बन जाएगा, ये भी फॉल्स बन जाएगा, मतलब ये तो क्या आ रहा है आपका कंट्राडिक्शन आ रही है। तो मतलब आपका ये लास्ट ऑप्शन ये इसका नहीं है। अच्छा अब चलते हैं पहले पर, तो मुझे क्या क्या चाहिए इसके लिए, नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू एंड पी। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, नेगेशन क्यू एंड पी इंप्लाई या एंड कितना क्यू एंड क्यू। अच्छा नेगेशन क्यू एंड पी, इसका नेगेशन ऑफ पी का निकालिए, ये एंड कनेक्टिव फॉल्स बन जाएगा, ये ट्रू है दोनों ट्रू है ट्रू बन जाएगा, एक भी फॉल्स रिजल्ट फॉल्स, ये भी फॉल्स। अच्छा अब इसी का क्या करिए आप, एंड निकालिए किसके साथ, क्यू के साथ, क्यू था आपका ये, तो एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स, ये फॉल्स ये भी फॉल्स बन जाएगा बेटा, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो ये भी क्या बनी आपकी बेटा कंट्राडिक्शन। इसका मतलब आपका ये पहला ऑप्शन नहीं आएगा। अब चलिए सेकंड के लिए, मुझे सेकंड के लिए क्या चाहिए, पहले सेकंड इसके लिए मुझे पी एंड निगेशन पी चाहिए बेटा, पी एंड निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी बेटा, इसका ये फॉल्स आया, ये फॉल्स आया, सारा का सारा फॉल्स रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसका किसके साथ करना, निगेशन क्यू जो आपने निकाला है एंड कितना, नेगेशन क्यू एंड पी, नेगेशन क्यू एंड पी और एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन पी। चलिए बेटा इस स्टेटमेंट का किसके साथ निकालना, मैंने नेगेशन क्यू एंड पी का इसके साथ, तो कनेक्टिव एंड दोबारा। अच्छा देखिए ये सारे के सारे फॉल्स हैं, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट भी क्या रहेगा, क्योंकि कनेक्टिव एंड है तो एंड में एक भी फॉल्स होता है रिजल्ट फॉल्स, तो ये भी आपकी क्या बनी कंट्राडिक्शन। इसका मतलब सेकंड पार्ट भी आपका नहीं आएगा, फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, फोर्थ नहीं आया, कौन सा होगा, चलिए चेक करते हैं तब भी। अब स्टेटमेंट पर निकाली थी पी और कितना नेगेशन पी, ये बेटा आपकी हमेशा टॉटोलॉजी होती है ट्रू ट्रू और उसके बाद आपने कौन सा निकालना है, नेगेशन क्यू एंड पी और कौन सा पी और नेगेशन पी, नेगेशन क्यू एंड पी और इसका इसके साथ निकालना, ये ट्रू ट्रू कनेक्टिव इज और तो ट्रू हो जाएगा, तो एक भी ट्रू है ट्रू ट्रू और ट्रू, ये सारा क्या बना टॉटोलॉजी बनी, तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है सी, ठीक है। बेटा थोड़ा लेंथी जाता है कोई टेबल क्वेश्चन, पर थोड़ा ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेशन ऑफ, नेगेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन द नेगेशन ऑफ किसका निकालना है, पी एंड क्यू इंप्लाइज नेगेशन आर इज, पहला ऑप्शन बेटा नेगेशन ऑफ पी है एंड क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। अच्छा बी ऑप्शन में पी और क्यू और आर, और सी ऑप्शन आपका दे रखा है पी और क्यू एंड और आर, और लास्ट है नेगेशन पी और क्यू एंड आर। अच्छा इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा ध्यान से रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट पी आ रही है, एक क्यू और एक आर, इसका मतलब आपका क्वेश्चन अगर मैं टेबल से बनाता हूं तब ये और लंबा हो जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया आपने टू का इतना लंबा चला गया, तो ये तो और लंबा चला जाएगा, तो प्रेफर करिए कि इसमें प्रॉपर्टी तो लग रही गई,
अच्छा आपको बोला निगेशन ऑफ, किसका निकालना बेटा? निगेशन का मतलब ये आ गया किस स्टेटमेंट का, पी एंड क्यू इंप्लाइज निगेशन आर। अच्छा अब कौन सा लॉ लगेगा, डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा इसमें, डी मॉर्गन लॉ। अच्छा डी मॉर्गन लॉ इस पर लगाइए बेटा, इसका कितना बन जाएगा निगेशन पी, एंड का क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा निगेशन ऑफ, क्यू इंप्लाइज निगेशन आर। अच्छा आपने पिछले लेक्चर में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था कि P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. P or Q. तो therefore इसी का negation कर लिया, P implies Q. अब बेटा करना क्या है आपने, ये जो आंसर है इसका negation करना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, negation P का negation किया तो P आ जाएगा, and or का किया and, और ये क्या बन जाएगा negation Q बन जाएगा। अब आपने यही चीज, अब देखिए यहां पे ये P की जगह ये है और Q की जगह आपका ये है, तो आपके पास बना नेगेशन पी, और अब जब नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्यू स्टेटमेंट एज इट इज एंड बन जाएगा, और नेगेशन ऑफ किसका, इस स्टेटमेंट का, तो नेगेशन पहले से ऑलरेडी था तो नेगेशन का नेगेशन करोगे तो आपके पास दोबारा से क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो अब चेक करिए बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, नेगेशन पी और क्यू एंड आर, नेगेशन पी एंड है नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आया आपका, डी ऑप्शन। तो जब भी आपके तीन सात टाइप के स्टेटमेंट हैं, इसका मतलब हुआ कि वो क्वेश्चन आपका किससे होगा, वो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, टू बाय टू में केवल आपको टेबल बनाना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट P implies Q implies P, Q implies P is equivalent to, is equivalent to, हाँ जी किसका equivalent होगा, पहला ऑप्शन P implies P if and only if Q, और दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है P implies P implies Q, और ये आपका दूसरा B और ये C ऑप्शन आपका P implies P और Q, और लास्ट ऑप्शन आपका दे रखा है P implies P and Q। तो चलिए बेटा दो ही स्टेटमेंट हैं तो उसका टेबल बन सकता है, आपने क्या चेक करना चेक कि इस स्टेटमेंट के कौन से लॉजिकली, कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी लॉजिकली इक्विवेलेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होती है, जब इसका जो भी आपका ट्रुथ वैल्यू आएगी वो और किसी इन्हीं में से कोई आपस में मैच कर जाएंगी, एक जैसी आएंगी, तो वो दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो जाएंगी, लॉजिकली इक्विवेलेंट। चलिए बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले आपके पास आ गया पी स्टेटमेंट, ये क्यू क्या क्या फॉर्मूला क्या है इसका, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब क्या क्या आपको चाहिए, निगेशन कोई भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, उसके बाद मुझे कहते हैं ये P और Q, फिर उसके बाद P एंड Q, P और Q कनेक्टिव इज और, एक भी ट्रू चलेगा, ट्रू बनेगा, ये ट्रू ये ट्रू ये फॉल्स, एंड में दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, ये ट्रू ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। अच्छा इसके लिए मैं चलो इसको पहले ये निकाल देता हूं C और D, तो P इंप्लाइज P और Q एक ही आ गया, और P इंप्लाइज P एंड Q, मैं C और D को चेक कर लेता हूं पहले, ठीक है, P इंप्लाइज Q का, इंप्लाइज का मतलब इंप्लीकेशन आई ना, इफ P देन क्या है बेटा, ट्रू, इफ P देन क्या है बेटा, फॉल्स, इफ P देन दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट विल बी ट्रू, ये दोनों ट्रू बन जाएगा, ठीक है। अब अगला P एंड Q के साथ करना, P एंड Q, इफ P देन कितना बन जाएगा, ट्रू, और इफ P देन ये आपका फॉल्स, अच्छा इसको चेक करना पड़ेगा, ये फॉल्स तो ये ट्रू और ये आपका ट्रू बन जाएगा। चलिए मैं इसको और का चेक करता हूं, इसका ट्रू और ट्रू, ये ट्रू ये भी ट्रू, ये फॉल्स ट्रू, तो दोनों के दोनों ट्रू आ गए, ठीक है, क्योंकि इफ पी देन आपने कौन सी लिखनी है, इफ पी देन, इफ पी देन ट्रू, दोनों के दोनों फॉल्स देन रिजल्ट विल बी ट्रू। ये अब उसके बाद पी एंड क्यू कितना बना बेटा, इफ पी देन ट्रू, इफ पी देन ये फॉल्स, इफ पी दोनों फॉल्स हैं ट्रू,
दोनों फॉल्स हैं तो आपका क्या जाएगा ट्रू बन जाएगा। तो अब बोलिए क्या निकालना था आपने इक्विवेलेंट, पर इसको भी तो चेक करना पड़ेगा मुझे ना। तो चलिए इसके लिए मैं ये तो मेरी होगी सी और डी स्टेटमेंट। अब मुझे इसके लिए बेटा क्या चाहिए, पी इंप्लाइज क्यू और क्यू इंप्लाइज पी, ठीक है। पी इंप्लाइज क्यू का मतलब एक पी देन क्यू, ये आ गया ट्रू, ये कितना आ जाएगा फॉल्स, ये कितना बन जाएगा ट्रू, ये कितना बन जाएगा दोनों दोनों ट्रू, और इफ क्यू देन पी उल्टा करिए ये ट्रू, अगला क्या बन जाएगा ट्रू बन जाएगा, अगला क्या बनेगा बेटा फॉल्स, और अगला क्या बन जाएगा ट्रू बन जाएगा। अब उसके बाद इसी को मैं क्या निकाल रहा हूं पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, क्योंकि इसी से बनता है, इन दोनों से बनता है, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों को दोनों रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू ये आपका फॉल्स, ये आपका कितना फॉल्स, और ये आपका क्या बन जाएगा ट्रू बन जाएगा। अब मेरे ख्याल में मैंने सेकंड और ये लास्ट और इसकी बना दी है सेकंड लास्ट, ये तो निकाल दी है। अब मैंने क्या कौन सा निकालना, एक तो ये निकालनी एक दो और तीन। तो चलिए बेटा मैं निकाल रहा हूं अब किसको पी इंप्लाइज, तो इसके लिए मैं यहां पे बना रहा हूं पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज कितना पी, तो इसके लिए क्या बन जाएगा बेटा इफ पी देन ये ट्रू, तो ये ट्रू। अब दूसरा लीजिए इफ पी देन, ये भी कितना आ गया ट्रू, इफ दिस देन दोनों फॉल्स हैं ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू, तो रिजल्ट। तो इसका मतलब आपकी जो गिविंग स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में क्या है एक टॉटोलॉजी है। अब उसके बाद अब चलिए यहां पे निकालते हैं इसमें पी इंप्लाइज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, अब इसका मतलब मैंने ये देखना है ठीक है, इफ पी देन ये ट्रू आ जाएगा, इफ पी देन ये क्या जाएगा फॉल्स आएगा, इफ पी देन दोनों फॉल्स है ट्रू आ जाएगा, और ये आपका क्या जाएगा ट्रू बन जाएगा। इसका मतलब ये भी टॉटोलॉजी तो नहीं बनी बेटा, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नहीं है, और ये मैंने पहले ऑलरेडी निकाले हैं, तो ये आपका ट्रू आ रहा है, ये आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं है, बन कौन रहा है फिलहाल ये बन। अब बचा कौन लास्ट, तो लास्ट को निकालते हैं, लास्ट के लिए क्या था पी इंप्लाइज कितना पी इंप्लाइज क्यू, चलिए बेटा पी इंप्लाइज क्यू का मतलब इफ पी देन ये देखना, और ये कितना आ जाएगा फॉल्स बन जाएगा, और ये ट्रू बन जाएगा, और ये ट्रू बन जाएगा। तो मेरे घर में ये भी आपका नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन इज आपका सी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कंट्रा पॉजिटिव, दी कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी और क्यू इंप्लाइज आर इज, इसका कंट्रा पॉजिटिव निकालना बेटा, और किसके बराबर है पहला पार्ट नेगेशन आर इंप्लाइज, हाँ जी किसके बराबर पी और क्यू, और दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है आर इंप्लाइज पी और क्यू, और थर्ड ऑप्शन सी नेगेशन आर implies negation P and negation P and negation R, और D option आपका P implies Q और R। अच्छा पहले तीन statement एक दो तीन, तो बेटा आपका question लंबा जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे trick रहेगा कौन सा by using property। चलिए बच्चों next question था the contra positive of P और Q implies R is, इन statement में से इसका contra positive कौन सा रहेगा, तो सबसे पहले आपको बेटा कंट्रा पॉजिटिव की डेफिनेशन पता होना चाहिए क्या था, किसी भी ट्रेडिशनल स्टेटमेंट की अगर आपने कंट्रा पॉजिटिव निकालना है तो कैसा था इसका नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, ये बेटा आपका क्या है कंट्रा पॉजिटिव ऑफ किसका इफ पी देन क्यू का। अब आपको बोल रखा कि इसका कंट्रा पॉजिटिव निकालिए आप, तो देयरफॉर आपके पास बना P और Q implies R का कंट्रा पॉजिटिव कितना बन जाएगा बेटा, अब ये आपका P के बराबर और ये है आपका Q के बराबर, तो आपके पास क्या बन जाएगा पहले नेगेशन Q मतलब नेगेशन ऑफ R implies आगे नेगेशन ऑफ किसका करना बेटा आपने P का, तो P स्टेटमेंट आपकी ये है, तो नेगेशन ऑफ किसका P और Q, तो आपके पास क्या बना ये नेगेशन R implies यहां पे आपका क्या लग जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ
ये लग जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, नेगेशन पी, और का बन जाएगा एंड, और ये क्या बन जाएगा, नेगेशन क्यू। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, नेगेशन आर एक ये है और नेगेशन पी, तो समझ आपका आंसर कौन सा आया, सी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किसको करना है आपने, सिंप्लीफाई पी और क्यू, पी और क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू, पी और नेगेशन क्यू। इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा दे रखा आपको पी, और सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है कैपिटल टी, टॉटोलॉजी है ट्रू है, और नेक्स्ट ऑप्शन आपको फॉल्स दे रखा है कंट्राडिक्शन, और डी में आपको दे रखा है क्यू कि ये किसके बराबर आएगा। ठीक है बेटा चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे आपके पास पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, या तो आप क्वेश्चन को टेबल से करते हो बेटा, या बाय यूजिंग प्रॉपर्टी होता है तो उससे प्रेफर करते हो। सबसे पहले हमने प्रेफर करना है किससे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो इसमें मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखते हैं पी और क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू। अच्छा बेटा यहां पे आपके पास एक तो कनेक्टिव और है और दूसरा कनेक्टिव आपका एंड है, और एंड एंड जो वो यूज कहां पे होता है, आपने पढ़ी ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बेटा आपने क्या किया होगा, पी और क्यू एंड आर इक्वल टू किसके बराबर बेटा, ये पी और क्यू एंड पी और आर। ठीक है अब मैंने क्या करना, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की आपको ये चीज दे रखी है तो आपने इसको बैक करके लगाना है। अब यहां पे बेटा आपके पास पी और ये पी और एक जैसा है, इसको आप क्या करिए पी और को बाहर लाइए, बाकी आपके पास बचा यहां पे क्यू और एन, और दूसरा क्या बचा बेटा आपके पास निगेशन क्यू। अच्छा आपने लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ा हुआ बेटा, करवाया मैंने ये लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पी के बराबर, और हर टाइम मैंने इसके मेरे ख्याल में उसका टेबल बनाया, तो जरूरी कि हर बार टेबल बनाइए आप, थोड़ा सा रिजल्ट अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट जो माइंड में ऐसे रह जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा पी, और कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू इज, पी इंप्लाइज क्यू इज। हाँ जी फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है टॉटोलॉजी, दूसरा आपको दे रखा है कॉन्ट्राडिक्शन, और थर्ड आपको दे रखा है नाइदर ए ऑप्शन नॉर बी ऑप्शन, और डी में आइदर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। ठीक है बेटा आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट का निगेशन निकालना, तो किसके बराबर होना चाहिए वो, या तो टॉटोलॉजी होगा या कंट्राडिक्शन या इधर ए नॉर बी या आइदर ए और बी। चलिए बेटा सॉल्यूशन करिए स्टार्ट इसका। सबसे पहले पी इंप्लाइज क्यू का क्या निकालना आपने, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। अच्छा बेटा इसकी आपने प्रॉपर्टी की थी, आपके पास P implies Q किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, ये नेगेशन P और Q के। ठीक है ये मैंने टेबल में इसका बताया था, क्या था ये नेगेशन P और Q, तो इसका मतलब ये आपका किसके बराबर बन जाएगा, नेगेशन P और Q के। अब इसके लिए टेबल बनाइए इसका, या आप अगर नहीं बनाना तो आप इसी को लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P और ये Q, और यहां पे बेटा किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, ये आपको चाहिए था निगेशन पी, और उसके बाद आपको निगेशन पी और क्यू, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, अब निगेशन पी क्या बन जाएगा फॉल्स, ये भी फॉल्स,
और ये आपका बन जाएगा ट्रू और ये भी क्या बन जाएगा ट्रू। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का निकालना है कनेक्टिव इज और, तो आपका एक रिजल्ट ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये भी ट्रू आ जाएगा ये भी ट्रू आ जाएगा। तो अब बोलिए ना, मेरे ख्याल में ये आपकी टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी का मतलब ट्रूथ वैल्यू उसकी ट्रू होगी, और ना ही कंट्राडिक्शन है जिसकी ट्रूथ वैल्यू कैसी होगी फॉल्स, तो इसका मतलब ना ये ए है ना बी, तो इसका मतलब कोई भी आपका ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन इज आपका कौन सा है सी, ना ये ऑप्शन आएगा इधर आइदर ए और बी का मतलब या तो ए या बी या दोनों, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपकी स्टेटमेंट यही, ये ऑप्शन जो आपके यही रहेंगे, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगेशन ऑफ, निगेशन ऑफ किसका निकालना है आपने, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू इज, दोबारा से आपको क्या करना है निगेशन निकालना किसका, इसका बोला किसके बराबर है, या तो टॉटोलॉजी है या कंट्राडिक्शन या नाइदर ए और नॉर बी ऑप्शन या आइदर ए और बी ऑप्शन। चलिए बेटा इसका विश्लेषण करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रेफर करना होता है प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा है देन यू कैन अप्लाई टेबल, ट्रूथ वैल्यू टेबल बनाइए आप, उससे आपका रिजल्ट निकल जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको टॉटोलॉजी और कंट्राडिक्शन निकालनी है, तो इसका अगर मैं बायोज की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो मेरे ख्याल में लंबा चला जाएगा, तो क्यों ना इसकी क्या बना लीजिए आप ट्रूथ टेबल बना लो। तो ट्रूथ टेबल के लिए पी और क्यू, और मुझे क्या क्या चाहिए बेटा, निगेशन पी भी चाहिए, और मुझे क्या चाहिए पी एंड क्यू चाहिए बेटा, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए निगेशन पी और क्यू, और उसके बाद लास्ट में मुझे फाइनल रिजल्ट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इंप्लाइज कितना निगेशन पी और क्यू, फिर लास्ट में मुझे इसका क्या चाहिए निगेशन चाहिए, ठीक है। ये टेबल थोड़ा ध्यान से बनाने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो आपने देख लेना है। तो पी एंड क्यू और इंप्लाइज निगेशन पी और क्यू, ये आपका फाइनल यहां तक जाएगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, रूल वही रहेगा, दो स्टेटमेंट है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अब उसके बाद ट्रू फॉल्स निगेशन पी डिनाई हो जाएगा, ये फॉल्स, फॉल्स का ट्रू ये ट्रू, पी एंड क्यू कनेक्टिव इज एंड दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, ये ट्रू ये फॉल्स ये फॉल्स ये भी फॉल्स। अच्छा निगेशन पी और क्यू कनेक्टिव इज और, तो एक भी ट्रू होगा रिजल्ट भी ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू, ये भी आपका दूसरा भी क्या बन जाएगा ट्रू बन जाएगा। अब आती है बात किसकी, इफ पी देन ट्रू, दोनों की दोनों फॉल्स हैं रिजल्ट ट्रू, इफ पी देन ट्रू, ये भी कितना आ जाएगा ट्रू बन जाएगा। अब बेटा इसका निगेशन इसी का, ट्रू का फॉल्स, इसका भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये फॉल्स, और इसको क्या बोलते हो आप कंट्राडिक्शन, और इसको क्या बोलते हो आप टॉटोलॉजी, पर आपका रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट क्या थी क्वेश्चन की, निगेशन निकालो इसका, तो इसका निगेशन क्या बना कंट्राडिक्शन, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बना आपका बी ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोबारा से ऑप्शन आपके यही रहेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो वो चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन था आपका बेटा पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू इज, पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू इज, क्या बताना आपको नेक्स्ट को दोबारा, फर्स्ट टॉटोलॉजी, सेकेंड इज आपकी कंट्राडिक्शन, थर्ड सारे ऑप्शन आपके सेम ही है। तो चलिए बेटा इसका सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन के लिए दोबारा से आपने क्या टेबल बनाना है इसका, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे घर में इधर यूज नहीं रही होगी, तो टेबल बनाइए, दो स्टेटमेंट पी और क्यू, अब क्या क्या चाहिए इसके लिए, एक मुझे बेटा निगेशन पी चाहिए, एक निगेशन पी भी चाहिए, अब उसके बाद पी एंड कितना, पी एंड निगेशन क्यू, उसके बाद आपको क्या चाहिए निगेशन पी एंड क्यू,
और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका पी एंड निगेशन क्यू और एंड निगेशन पी एंड क्यू, ये चाहिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसका रिजल्ट। ट्रूथ वैल्यूज कहते हैं, होती है दो दो स्टेटमेंट है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। निगेशन पी क्या बन जाएगा बेटा, आपने किया हुआ ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, और ये फॉल्स, अच्छा ये क्यू था, तो ये फॉल्स बन जाएगा, ये ट्रू बनेगा, ये फॉल्स बन जाएगा और ये ट्रू बन जाएगा। अब क्या करना आपने, पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू दोनों कनेक्टिव एंड ट्रू होना पड़ेगा, ये ट्रू ये ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स, ये भी एक फॉल्स है, रिजल्ट भी फॉल्स। अब आप देखिए निगेशन पी एंड क्यू एक और कनेक्टेड द्वारा एंड है, तो एक भी फॉल्स हुई तो रिजल्ट विल बी फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स और ये आपका ट्रू और ये भी आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अब उनके उसके बाद अगले इसमें क्या करना, इनको निकालना, दोनों के बीच कनेक्टिव कौन है एंड, तो ये भी आपका फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स, ये भी फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल्स आया रिजल्ट विल बी फॉल्स। अच्छा अब बोलिए ये तो आपका क्या है, कंट्राडिक्शन, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा बना, बी ऑप्शन। चलिए दो मिनट, चलिए तो इसका आंसर कितना आया, कंट्राडिक्शन, तो कौन सा ऑप्शन आया आपका, बी ऑप्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन आपके द्वारा वैसे ही है, लेट पी एंड क्यू बी एनी टू स्टेटमेंट्स, बी एनी टू स्टेटमेंट्स, देन क्या करना आपने, पी और क्यू, पी और क्यू और निगेशन पी एल। ठीक है, ऑप्शन आपके यही है, पर ये ऑप्शन आपका चेंज है, यहां पे नन ऑफ डीज। तो चलिए सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, टेबल बनाइए बेटा, सॉल्यूशन हाँ जी क्या बन जाएगा, पी चाहिए मुझे, क्यू स्टेटमेंट चाहिए, निगेशन पी चाहिए, उसके बाद बेटा क्या चाहिए आपको, P और Q चाहिए, फिर उसके बाद इनका कंबाइंड रिजल्ट P और Q और निगेशन P चाहिए। तो इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले दो स्टेटमेंट है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन P क्या बन जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। P और Q दोनों स्टेटमेंट में कनेक्टिव और है, एक अंदर ट्रू भी होगा, ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू और ये आपका क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। अब क्या करना आपने, किस किन दो का निकालना, कनेक्टिव इज ऑफ, ए भी ट्रू होगा, रिजल्ट विल बी ट्रू, ये ट्रू और ये भी आपका ट्रू बन जाएगा। तो ये क्या आई आपके पास, ये ट्रुथ टेबल जो आपका इसका वैल्यू क्या है, ट्रू, तो इसका मतलब ये क्या है आपकी टॉटोलॉजी, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा आया, ई। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थोड़ा ध्यान से करना बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जी क्वेश्चन में देखा आपको पी एंड निगेशन आर, पी एंड निगेशन आर इसके इक्वल देखा है इंप्लाइज, इंप्लाइज निगेशन पी और क्यू, इज कैसा दे रखा है बताइए, इज फॉल्स, मतलब इसका आंसर क्या दे रखा आपको, फॉल्स दे रखा, मतलब कहीं पे भी फॉल्स आ सकता है, पर जो भी आपका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट का आंसर आएगा वो कैसा है आपका, आपने किसको लेके चलना है, सिर्फ फॉल्स को ही लेना है, अगर ट्रू आएगा वो नहीं लेना, ना कौन सा लेना, जो फॉल्स आएगा वो लेना है। तब आपने निकालना क्या है बेटा, देन दी ट्रुथ, देन दी ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी कॉमा क्यू एंड आर आर रेस्पेक्टिवली क्या होगी, ए ऑप्शन था बेटा आपका ट्रू कॉमा फॉल्स एंड ट्रू कॉमा फॉल्स एंड फॉल्स,
और बी ऑप्शन आपका फॉल्स कॉमा फॉल्स एंड ट्रू, और सी ऑप्शन बेटा आपका फॉल्स कॉमा ट्रू एंड ट्रू, और लास्ट ऑप्शन आपका ट्रू कॉमा फॉल्स एंड ट्रू। लास्ट क्वेश्चन बेटा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट पी क्यू और आर, तो इसमें तीन स्टेटमेंट है, तो टेबल जो है वो थोड़ा ध्यान से बनाना बेटा, अगर टेबल में कोई गलती नहीं आती है तो आपका क्वेश्चन बने से निकलेगा, पर पहले आपका गिवन क्या रखा है, क्या निकालना है आपने, आपको बोला इस स्टेटमेंट का कौन सा आंसर देगा आपने बेटा, जो आंसर फॉल्स होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यूज किस किस की, पी क्यू और आर की बोला कैसी होगी, अगर ये फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू किसकी, पी क्यू आर की, कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी कि ये, तो चलिए देखते हैं इसका टेबल बना के लगेगा पता बेटा, सॉल्यूशन करिए स्टार्ट, क्या बन जाएगा, पहले आपको पी लंबा हो जाएगा है ना, पी फिर उसके बाद क्यू फिर उसके बाद आर है ना, पी क्यू आर, और क्या क्या चाहिए मुझे, निगेशन पी भी चाहिए बेटा, निगेशन पी, फिर उसके बाद मुझे निगेशन क्यू भी चाहिए बेटा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, पी एंड निगेशन आर, उसके बाद निगेशन पी और क्यू चाहिए बेटा, उसके बाद इनको कंबाइन कर दीजिए, पी एंड निगेशन आर इम्प्लाइज, हाँ जी क्या बन जाएगा, निगेशन पी और क्यू, ये आपका टोटल रिजल्ट एंड में बनेगा। तो चलिए जो आपकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की उसको हिसाब से लेते हैं, फिर बाकी बाद में देखते हैं कि आपका फॉल्स है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने पी क्यू आर को चेक करना, अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट उस टाइम स्टेटमेंट ये उस टाइम क्या थी, ट्रू थी फॉल्स थी कैसी थी वो निकालना आपने। तो चलिए सबसे पहले चार स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट है, तो क्या करना आपने इसको ट्रू ट्रू और फॉल्स 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 फॉल्स, चार ट्रू आएंगे और चार फॉल्स आने, अब इसी को दो दो को कर दीजिए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है बेटा ये हो गया। अब तीसरे के लिए एक एक ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स, अब निगेशन पी पहले चार फॉल्स कर दीजिए, फॉल्स 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 फॉल्स, और ट्रू का क्या बन जाएगा, इसका फॉल्स का ट्रू बन जाएगा, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू और ये ट्रू, ठीक है। अब निगेशन क्यू, निगेशन क्यू हमें निगेशन आर चाहिए था ना, निगेशन आर क्यों नहीं, निगेशन आर आर आपका अल्टरनेट में था, ये फॉल्स ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू ये फॉल्स और ये ट्रू, टेबल थोड़ा ध्यान से बनाना बेटा, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने लिखने हैं, नहीं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है फिर बाद में। अच्छा P and negation R, अब निकालिए P and negation R, मतलब P and negation R connected is and, तो दोनों को true होना पड़ेगा, ये आ गया आपका बेटा false, ये true है ये भी true है result is true, ये true ये false result will be false, ये आपका true। अच्छा आगे आपके चारों को चारों के false है, तो समझ जब and connected के साथ लगेगी तो आपको ये कैसा result देंगे, ये false ये भी false और ये false, ठीक है बेटा। अब बात आती है इसकी निगेशन की पी और क्यू, निगेशन पी था आपका ये और देखना आपने क्या इसके साथ, तो और का मतलब एक भी ट्रू होगा रिजल्ट भी ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स रिजल्ट ट्रू, ये आपका ट्रू, अगला क्या बन जाएगा ट्रू, अगला क्या बनेगा फॉल्स, अगला क्या बनेगा ट्रू, अगला क्या बनेगा ट्रू, अगला क्या बनेगा बेटा ट्रू, अगला क्या बनेगा फॉल्स, ठीक है। अब इन्हीं को आपने इफ पी देन क्यू ये ट्रू, इफ पी देन ये ट्रू, इफ पी देन ये ट्रू, इफ पी देन ये फॉल्स, और इफ पी देन इफ पी देन इफ पी देन क्यू ये भी ट्रू, इफ पी देन क्यू दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट भी ट्रू। अच्छा आपके पास आंसर कौन सा है, क्या बोला था कि ये स्टेटमेंट जहां पे फॉल्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना बेटा आपने, देखना किसको पी क्यू और आर, तो अब देखिए ये आया फर्स्ट, इसको नंबरिंग दे रहा हूं 2, 3 और 4, तो ये आया फर्स्ट सेकंड थ्री थर्ड और फोर्थ, हमने क्या देखा क्योंकि एफ आया आपका फॉल्स कितने नंबर पर, चार पर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कौन से देखना है फोर्थ वाले, हाँ जी फोर्थ में बेटा कौन कौन से हैं ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स,
इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास P और Q की और R की वैल्यू क्या है, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, इट मीन ऑप्शन इज फर्स्ट ए। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके जो आज मैंने जेई की ई के क्वेश्चन करवाए। अब उसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद बेटा हमने दोबारा से जो पिछले एक लेक्चर बनाना है हमने एक, तो उसमें क्या होगा कि आपके जेई के जो भी आपके पिछले साल के क्वेश्चन आए हैं या उससे पिछले से आए हैं वो हमने डिस्कस करनी है। तो देखते रहिए और प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।